जय साईं जी दी, जय बाबा मुराद शाह वाली जी, रब एक जय साईं जी। 786 एस ए ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर एक नेक रूह नूं सलाम है, निघा स्वागत है। जे तुसी चैनल ते पहली बारी आए हैं तो चैनल नूं सबसक्राइब करो ते बैल आइकन नूं जरूर दबाओ ता कि तुहानूं आने वाली वीडियो की जो अपडेट वो मिलती रहे। बाबा जी कहिंदे मिट्टी तेरी जात बंदिया मिट्टी मौत दा गहना, मिट्टी तू अनमोल है भावें मिट्टी मुल नहीं पैना, आखर मिट्टियों मिट्टी हो के मिट्टी दे विच रहना। साईं लोग की फरमाते ने, वो कहिंदे कि मन्या के पैदा मिट्टी तो होए, मिट्टी ही वापस मुड़ जाए तो इस जिंदगी मिली का कोई फायदा नहीं है। वो कहिंदे मन्या के मिट्टी तो पैदा होए हैं, गल गौर नाल सुनन वाली बाबा जी, गौर फरमाना। वो कहिंदे मान लिया कि मिट्टी तो पैदा होए हैं, पर जे मिट्टी ही मुड़ जाए वापस, वो रूह नूं रूह सवार ही ना सकी अपने आप नूं, तां कहिंदे इस रब दी दित्ती हुई जिंदगी दा, इस रब दी दित्ती हुई जिंदगी दा कोई फायदा नहीं होया फिर। क्योंकि जे रब ने जिंदगी दित्ती है अपने आप नूं बेहतर बना के जाना, उस रूह नूं बेहतर बना के जाना, कुछ ऐसा करके जाना है, कुछ ऐसा करना है कि दुनिया याद करे, नेकियां करनियां है कहिंदे। क्योंकि जे असी एक चंगा कर्म करांगे तो सानू भी चंगा लगेगा। जदों आपां कोई चंगा कर्म करते हैं ना तो बंदे दे अंदर भी एक चंगयाई पैदा होंदी बाबा जी, बंदा अपने आप नूं भी चंगा लगेगा उस चीज़ का। पर जे किसी का बुरा करांगे तो सानू अपने आप नूं भी बुरा लगता है, क्योंकि ये बहुत वड्डी एक खासियत है हर बंदे दी, उस बंदे दी जिहड़ा रब नाल जुड़िया हुंदा ना, उहनूं इदां जरूर भी यार मेरे कोलों गलती नाल इहनां नूं उच्चा बोलिया गया या मैं कदे इत्थे नहीं सी मैनूं बोलना चाहिए, कोई नहीं जे गलती होगी तो छड़ देना चाहिए सी। बंदे दे मन च आंदा ना ख्याल कई वारी, परिवार च कई बार इदां यार नहीं सी बोलना चाहिए, और ये कोई खामी नहीं है, ये खूबी है। क्योंकि जे किसी का बुरा करांगे ना तो अज नहीं तो कल कदे ना कदे वो साढ़े अगे आउंदा जरूर है बाबा जी। इसलिए जे आपां कोई अच्छा कर्म करते हैं या कोई चंगा कर्म करते हैं तो किन्नियां नूं अपना बनाउंदे आ आपां, ते जे एक बुरा कर्म करते हैं तो किन्ने ही साढ़े तो नाराज़ हो जाते। हालांकि सारयां दा ध्यान रखण नहीं इंसान आया, कोई नाराज़ है कोई खुश हो नहीं है, पर एक यह भी कर्म चंगा होवे तो फिर भी जे कोई नाराज़ हो रहा है तो अपने आप नूं पता है कि असी चंगा कर्म किया तो फिर नहीं कोई परवाह, फिर जे कोई नाराज़ होंदा तो अलग। पर जे आपां बुरा कर्म किया किसी का दिल दिखाया तो सानू भी पता भी असी बुरा कर रहे हैं, फिर गलती है। तो चंगा कर्म करन नाल साडा रब खुश हो जाता है, तो फिर इस तो वड्डी होर कोई गल नहीं है जिदे नाल साडा रब खुश हो जाए। इसलिए फकीर कहिंदे आ कि कर्म वो करो जिहदे नाल साडा रब खुश हो जाए, क्योंकि जे रब खुश है तो सब खुश है। तू बेली ते सब जग बेली, अणबेली भी बेली, उस वेले दा कोई ना बेली जद जांदी है जान अकेली, रूह चले गई। बाबा बुल्ले शाह कहिंदे चंगा बोल जबान तो, बोल भला होवे शायद कल ना होवे मुलाकात तेरी। देखो सरकार बुल्ले शाह फरमाते हैं, साईं लोग फकीर बाबा बुल्ले शाह कहिंदे कि चंगा बोल जबान तो, बोल भला होवे शायद कल ना होवे मुलाकात तेरी। वो कहिंदे तेरा ही भला होवेगा जे चंगा बोलेगा, किसी दे भले दी गल नहीं है, जे तू चंगा कर्म करेगा तो उहदा भला होवे ना होवे तेरा भला जरूर होवेगा कहिंदे। क्योंकि कर्म तू कर, क्योंकि तू कर्म तू कर रहे हैं। हुण मान लो कि एक बंदा सेवा करता है, दान पुण करता है, तो दूजा बंदा कवे पहला वो करे फिर मैं करना। देखो देखी हुंदा ना, लाई लग भी हुंदे कहीं यार, पहला तो वह बनाओगे फिर आप उन्होंने देख के कुछ बनावांगे। हुण वो करे ना करे जो मैं कीता है उहदा फल मैनू मिलना ही मिलना है, ये ना होवे कि पहला वो करे, इदा ना करिए भी
ना जी, पहला ओ करे। जे ओ मूरख है, उन्हें नहीं कीता, उन्हें नेकी नहीं खट्टी, तो भाई जे ओ मूरख है तो इहदा मतलब यह नहीं है कि उहदे पिछे मैं भी नेकियां गवा देवां या असीं भी नेकियां गवा दईए। इहदे विच कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि समझदारी तो यह है कि कोई करे ना करे मैं अपना कर्म करना है, कोई करे ना करे मैं अपना कर्म करना है। जे कोई गुरु घर जाता है तो कोई जावे ना जावे मैं जाना, जे कोई साईं दर जाता कोई जावे ना जावे मैं जाना, मेरे अंदरों आवाज़ उठी कि अज जाया यार अज मिल के आ तो मैं जाना, मैं गुरु नूं सजदा करन जाना, गुरु घर जाना, जिथे भी बंदे दी लगना उत्थे जाना, क्योंकि जो मैं करना उहदा फल मैनू मिलना। जे मैं रब का नाम लऊंगा तो उहदा फल मैनू मिलना, जे मैं किसी का बुरा या चंगा करूँगा तो उहदा फल भी मैनू ही मिलना। जिदा कई बार कहते ना भी नहीं फिर पति करेगा, पति कह दे कि पहला पत्नी करे फिर मैं करूँ, या पत्नी कहे पहला पति करे फिर मैं करूँ, तो बस फिर तू कर करते करते जिंदगी निकल जाती है, बाद विच बंदा पछताउंदा रह जाता। क्योंकि टाइम किसी वास्ते कदे रुकता नहीं, वक्त कदे किसी वास्ते रुकता नहीं, ये वक्त किसी के प्यो का नहीं जड़ा किसी के रोकया रुक जाए, हूँ ही नहीं एक दिन आ जाना बंदा जिथे मर्जी रुक जाए। क्योंकि जोड़ा वक्त है साढ़े को कहें नेकी कर लो, चंगा कम कर लो, चंगा कर्म कर लो, कोई अच्छाई कर लो, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर लो आएगी बहुरी करेगा कब। कि जो भी करना है अज ही करना है, कल नहीं। कि जो अच्छा कर्म है उन्होंने टालो ना, जे मन च कुछ आया ना यार अज मैं गुरु घर जाना तो उन्होंने टालो ना, जे कहें ना यार साईं दर जाना तो उन्होंने टालो ना, कोई बुरा ख्याल आवे ना उन्होंने टाल दो। पर इत्थे उल्टा होंदा, आप चंगे काम नूं टाल दिंदे आ बुरे कर्म नूं कर लैंदे आ। तां ही बाबा बुले शाह कहिंदे चंगा बोल जुबान तों भला होवे, शायद कल होवे ना होवे मुलाकात तेरी, एवें वड वडेरा एवें वड वडेरा इंसान बनना, वो इन्हां गल्लां चों नहीं हो नजात तेरी। वो कहिंदा एवें वड वडेरा इंसान बनना, वो इन्हां गल्लां च नहीं हो नजात तेरी। पहला तो उन्होंने कहा भी चंगा बोल जुबान तो भला होवे, शायद कल होवे ना मुलाकात तेरी, एवें वड वडेरा इंसान बनना है, वो इन्हां गल्लां नाल नहीं हो नजात तेरी। कहिंदे एवें ही वड वडेरा बनन नूं फिरदा कि मैं वड्डा, मैं वड्डा, मेरी इज्जत, मेरी जात, मेरा धर्म, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरा सत्कार होना चाहिए। कई हंकारी होंगे ना तो कहें ले मैनू तो पूछया नहीं, जिदा किसी के घर होंगे ना, मैं कई बीबिया भी देखी इदा दियाँ, किसी के घर विआह होएगा ना कोई वड्डी होगी जी, उन्हें आके ले मैनू तो पूछया नहीं, मैंने तो रोटी नहीं पूछी उत्ते, मैंने तो पानी नहीं पूछया उत्थे। पर इत्थे इज्जत भी किसी नूं ही उही बंदा दे सकदा ना जिहदी आप दी कोई इज्जत होवे, ते किसे कोले एक्सपैक्टेशन करनी नहीं। जिदा हुण बंदा कहिंदा कि मैनू आ पुछे, मैनू ओह पुछे, तो पूंछ, इत्थे पूंछ दी गल आ गई कि पूंछ जिहड़ी हुंदी बंदिया दी नहीं हुंदी, बंदिया दी पूंछ लगी चंगी भी नहीं लगती, पूंछ जानवरां दे लगी चंगी लगती है, जे बंदे दे पूंछ लग गई ना तो चंगे नहीं लगने। जिदा हुण किसे दा विआह आया, वो विआह होवे तां बंदा कहिंदा कि मैनू तां पुछया ही नहीं की बनाईए की करिए, बड़े इदां दे रोले होंदे है ना। जे आपां चाहवांगे कि मेरी पूछ होवे तां कितें रब सच्ची ना पूछ ला देवे, पता लगे अगली वारी असीं जानवर बने हुए हैं। इसलिए कदे ना सोचो या कहो कि वह मैनू पुछे, वह मैनू पुछे, जे कोई पुछदा है तां वी ठीक है, जे कोई नहीं पुछदा तां वी ठीक है, उन्हों अपने नज़ारे लैन दो, असी अपने नज़ारे लैने। ना बनो पूंछ, फकीर कहते ना बनो पूंछ, पूंछ बंदिया की नहीं होंगी, पूंछ जानवर की होंगी है। एवें अपने एवें आप वड्याइयों पे हैं कहते, क्योंकि जो मिट्टी मिट्टी चले जानी है तो फिर थोड़ी किसी ने कहना कि वह मेरी मिट्टी पर पैर ना रख। पर यह मिट्टी सोना किस तरह बननी है, क्योंकि माटी कहे कुम्हार से तू तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तुहें। तो
ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸੱਜ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਦਾਤ ਐਵੇਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਰੂਹ ਸੱਜੀ ਗਈ, ਰੂਹ ਸੱਜ ਗਈ ਉਹਦੀ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਘੜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਐਵੇਂ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਫੁੱਲਿਆ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਡਿਆਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜਾਤ ਤੇਰੀ। ਨਜਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਨਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੁਕਤੇ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਆਕੜ ਮੁਰਦੇ ਕੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅਲਮਸਤ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਝੁਕਤੇ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਕੜ ਮੁਰਦੇ ਕੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਅਮਾਲ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹਨ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਯਾਰਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੈਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਨੇਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਆਇਆ ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋਹਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ? ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੇਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਲਮ ਨਾਲੋ, ਸਾਈਂ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਲੋਕ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਲਮ ਨਾਲੋ ਅਮਾਲ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਮਾਲ ਉੱਚੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੈਵੇਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਯਾਦ ਜਾਤ ਤੇਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਲੜੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਧਰਮ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਲਮ ਪੜ੍ਹੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਇਲਮ ਪੜ੍ਹੇ ਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਦਾਤਾ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਅਮਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
चंगे अमल करने हैं। इसलिए जे कोई गल सुनाउंदे गलती हो गई होवे बाबा जी तो माफ़ी का हकदार हैं। दुआवां च याद रखियो, जय साईं जी दी, जय बाबा मुराद छबड़ी जी। सब नूं सलाम है, दाता चढ़दी कला च रखण जी, खुशियां देन, तंदुरुस्तियां मंदुरुस्तियां, मालक साहब दा भला करे जी।